गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो लेट अस स्टार्ट। यस्टरडे वी डिड क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 6th, राइट, जिसके सॉल्यूशंस आपको अपने आप करने थे एंड मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन सही भी किए हैं। कुछ एक दो जनों के कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स थी जो उनको मैंने बता दी थी, जो जो उनको करेक्ट करना था, बाकी सब आपने सही किया है। तो एक बार फिर से इन 4th एंड 5th, 6th क्वेश्चन में जो इक्वेशंस हैं और वहां से जो हमारे सॉल्यूशंस निकले उसको एक बार शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 5। बस शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4th में कौन सी दो इक्वेशंस बनी थी, इक्वेशंस बोल दीजिए जल्दी से। x plus 10y हाँ equal to 105। ठीक है, सेकंड x plus 15y equals to 155, right? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से आपने x comma y के जो solutions निकाले हैं 5, 10, राइट? यस सर। फाइनल सॉल्यूशन, पहले तो ये बताओ कि ये सॉल्यूशन निकलने में किसी को कोई प्रॉब्लम, जितने भी प्रेजेंट सर, इजीली ये सॉल्यूशन आ गया होगा आपने फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन किया होगा? तो ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा आ गया सॉल्यूशन। हमसे क्या पूछा गया था, देयरफॉर फाइनल जो हमारे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स रहेंगे वो ये रहेंगे। हमसे पूछा गया था फिक्स्ड चार्जेस एंड वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर, इन्हीं दोनों को हमने एक्स माना था, राइट? यस सर। चार्जेस तो हमारे थे एक्स 5, y रुपीस 10। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। यस सर। नो सर, इसके आगे हाँ आगे क्वेश्चन है, लेकिन ये फिक्स चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस तो फाइनल है ना? करेक्ट आ रहा है ना? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग टू यू, कि ये तो क्लियर है ना, रुपीज 5 तो अगर मेरे फिक्स चार्ज और वाई यानी कि वेरिएबल चार्ज यानी हर एक किलोमीटर के जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के चार्जेस हैं वो है 10 रुपए पर किलोमीटर, और फिक्स्ड केवल टैक्सी में बैठने के चार्जेस हैं 5 रुपीज। ये चीज क्लियर है? सबसे पहले ये दोनों करेक्ट हैं या नहीं है इस चीज को हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ना, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो देखो फिक्स चार्जेस है हमारे, जो हमारे हिसाब से हमने फाइंड आउट किया है 5 रुपीज, एंड वेरिएबल चार्जेस है जो याद रखना ये फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्जेस का कॉन्सेप्ट अगले एक्सरसाइज में भी है, तो ऐसा मत सोचना कि इस एक्सरसाइज में ही करना है, ये आगे के लिए भी काम आएगा, उसको अच्छे से सीखना। तो ये हमारे आंसर्स आए हैं, देखते हैं हम पहली इंफॉर्मेशन क्या थी कि टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, टोटल चार्ज है 105, टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से मुझे बताओ फिक्स चार्जेस कितने होंगे? 100 रुपीज। फिक्स चार्जेस 5 रुपीज। 5 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो वेरिएबल चार्जेस हो जाएंगे हमारे 10 × 10, दैट इज 100 रुपीज। तो इस हिसाब से हमारे टोटल चार्जेस कितने हो गए? 105। तो आप चेक करो क्वेश्चन में भी तो यही गिवन है कि 10 किलोमीटर के 105 रुपीज चार्जेस हैं, और हमारे भी 10 किलोमीटर के 105 ही आ रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई हो गया।
ओपन था। केस नंबर टू में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है? 15 किलोमीटर। अब की बार 15 किलोमीटर, ठीक है। फिक्स चार्जेस कितने लगेंगे? 5 रुपीस, चेंज होते ही नहीं है। वेरिएबल कितने लगेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से? तो 15 into 10 150। तो टोटल कितने आए? 155। तो देखो बुक भी तो यही कह रही है कि 15 किलोमीटर के कितने चार्जेस हैं? 155। हमारे भी यही आ रहा है 15 किलोमीटर के 155। तो यानी कि ये भी क्रॉस वेरीफाई हो गया, दोनों केस क्रॉस वेरीफाई हो गए। यस सर, ठीक है। दैट मींस जो हमने ये चार्जेस निकाले हैं वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो उस दोनों केसेस में वो क्रॉस वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे का जो एक क्वेश्चन था, सलोनी ने हालांकि करके पेज भी दिया था, इजी था वैसे, आप लोग भी कर सकते थे। देखिए क्या कह रहा है कि अब आप मुझे बताएं कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो आदमी को कितना देना पड़ेगा। जैसे 10 किलोमीटर के 105 देने पड़ रहे हैं, 15 किलोमीटर के 155 देने पड़ रहे हैं, देन हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो ये काफी इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे? अब हमसे, हमारे लिए तीसरा केस एक तरीके से केस थ्री हो गया। केस थ्री में हमसे पूछा गया है क्या किया, क्या दिया हुआ है, पहले तो वो लिख लो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। केस थ्री में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? 25 किलोमीटर एंड दिस इज गिवन। स्टार्ट राइटिंग। आपको मैंने कहा था ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे, छोड़ा है सबने? यस सर। कई बच्चों का तो नहीं दिख रहा था मुझे होमवर्क में, तो जबकि मैंने कहा था कि 3-4 लाइन छोड़ देना। मैं तो कर दिया। हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 25 किलोमीटर। तो बताओ फिक्स चार्जेस तो वही रहेंगे, फिक्स चार्जेस क्या है? x, और x क्या है? रुपीस 5। वेरिएबल चार्जेस क्या है बोलना? वेरिएबल चार्जेस क्या है? y, यानी कि रुपीस, y की वैल्यू क्या है? 10 एंड पर किलोमीटर है। तो ये टोटल कितने हो गए फिर उस हिसाब से? 10 इंटू कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो? 25, यानी कि रुपीस 250। देयरफोर टोटल चार्जेस टू बी पेड, इक्वल्स टू 5 तो फिक्स है एंड 250 वेरिएबल है, तो ये हमने फिगर आउट किया 255। तो ये केस थ्री का आंसर हो गया, पीछे से मैच कर लीजिएगा। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, कई बच्चों ने कल ही कर लिया था, बाकी बच्चे नोट डाउन कर लो जिन्होंने स्पेस छोड़ा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। एज प्रॉब्लम थी, बताइए दो इक्वेशंस क्या बनी थी, जल्दी से बता दीजिए। x माइनस 3y इक्वल टू 10, ठीक है। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 30 ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसका आंसर जो आया होगा, right? Yes, sir. ठीक है, देखो इस तरीके से केवल इक्वेशंस को देख के, आप भी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, जिसमें केवल इक्वेशन को देख के एक्स एंड वाई का सॉल्यूशन बता पा रहा हूँ, आप भी बता पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? एक तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए होने चाहिए, प्लस क्या होगा, एक बार चैप्टर खत्म होने दो। चैप्टर खत्म होगा तो क्या है, अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, आगे एलिमिनेशन मेथड भी है, फिर क्रॉस मल्टी, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कम्फर्टेबल लगे, किसी को एलिमिनेशन, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। जिस तरीके से मैं केवल इक्वेशंस को केवल वॉच करके विद इन सेकंड्स में एक्स एंड वाई का सॉल्यूशन बता पा रहा हूँ, आप भी बता पाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन सबका, पहले तो बताओ सॉल्यूशन आने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो नो सर।
नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था, जेकब्स प्रेजेंटेज एंड जेकब्स सन्स प्रेजेंटेज। कई बच्चे फाइनल स्टेटमेंट में कल मैंने देखा था ये प्रेजेंट वर्ड नहीं लगा रहे हैं, जेकब्स एज लिख रहे हैं ओनली। तो जेकब की एज कौन सी, आज की, पांच साल पहले की, पांच साल बाद की, कौन सी एज? तो हमको प्रेजेंट एज पूछी गई है। देखो क्लियर कट क्वेश्चन में व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो फिर हमको प्रेजेंट वर्ड यूज करना है। और हमने जब माना था एक्स एंड वाई उस टाइम ही हमने लिखा था लेट जेकब्स प्रेजेंट एज बी एक्स। तो हम फिर फाइनल स्टेटमेंट, देखो फाइनल स्टेटमेंट जो होता है वो एज इट इज, जो ऊपर जो हम मानते हैं ना लेट वाला सेंटेंस, उससे मैच करता है। तो हमने क्या माना था ऊपर लेट जेकब्स प्रेजेंट एज, तो फिर फाइनल स्टेटमेंट भी क्या रहेगा, जेकब्स प्रेजेंट एज। उसमें कुछ फेरबदल मत किया करो, ठीक है बच्चों। इसको एक्स मान लिया था हमने एंड एक्स की वैल्यू आई है 40 इयर्स एंड जेकब्स सन्स प्रेजेंट एज वाई हो जाएगी 10 इयर्स। तो ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। अब हमारा काम क्या है, इन फाइनल आंसर को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं जो हमारी सिचुएशंस गिवन है उससे, ताकि क्लियर हो जाए कि ये आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। अब देखो जेकब की एज आई है 40 इयर्स प्रेजेंट एज, यूं देख लो ये तो है जेकब और ये है जेकब का बेटा जेकब्स सन। तीन सिचुएशन गिवन है, बीच में है प्रेजेंट सिचुएशन और पास्ट में कितने साल पहले जा रहा है वो 5 इयर्स अगो, 5 साल ही पहले जा रहा है, 5 साल ही बाद में आ रहा है। तो 5 इयर्स अगो हमेशा पास्ट वाली पहले लिखो, प्रेजेंट वाली उसके बाद लिखो, थर्ड पोजीशन पे क्या लिखेंगे हम फ्यूचर वाली 5 इयर्स लेटर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज तो हमने निकाल ली, 40 इयर्स तो जेकब की आई एंड जेकब के बेटे की कितनी आई 10 अभी अभी निकाली थी। तो बताओ 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, 35 and 5 35। और 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, 45 45। इसकी एज क्या होगी 5 साल और 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, कौन कह रहा है 15, 5 ऐड करो। ठीक है, अब देखिए क्या कहा था उसने, 5 साल पहले जेकब अपने बेटे का 7 गुना है, 7 टाइम्स है, क्या है, क्या चेक करो, क्या 35 जो है 5 का 7 टाइम्स है क्या? Yes, ना? Yes, देखो उसने क्या कहा था, 5 इयर्स अगो जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। क्रॉस वेरीफाई हो गया, जेकब के बेटे की एज 5 साल पहले अपने बेटे की एज के 7 गुना थी और 5 साल बाद जो है उसकी एज जो है वो उसने क्या कहा था 3 टाइम्स हो जाएगी। तो 5 साल बाद इस हिसाब से भी 3 टाइम्स की हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक करो। ठीक है, और प्रेजेंट में चेक करो कितने टाइम्स है, बोलो प्रेजेंट में चेक करो 4 टाइम्स है। तो जो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है नंबर ऑफ टाइम्स कम होते जाते हैं, तो वो लॉजिक देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 5 साल पहले 7 गुना, फिर कम हो गया 4 गुना हो गया, फिर 5 साल बाद जाओगे तो 3 गुना ही रह जाएगा। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स कम होते जा रहे हैं, नहीं आ रहे, हो रहे ना? ठीक है। अब वैसे इस चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि सर आप ये चीजें क्यों बता रहे हो कि नंबर ऑफ टाइम्स का, ये क्या हमको एक हिंट देते हैं। मान लो कभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ पे मान लो 6 आ जाए, तो वो 6 देखते ही आपको आपके माइंड पे क्लिक करेगा यार गलत है यार, सर ने कहा था कि ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, 4 के बाद बढ़ कैसे गया? तो वो ये चीजें माइंड में रहती है ना, तो कई बार क्या होता है हम गलती करने से बच जाते हैं। हर एक चीज का सिग्निफिकेंस होता है, चाहे डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में हो, कई बार कोई चीज डायरेक्ट काम आती है, कई बार कोई चीज इनडायरेक्ट वे में काम आती है। ठीक है बच्चों, चलें अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और फिर हम एक मेथड और सीखेंगे, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेंगे उसका। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 5th, इसके भी मैं आपको इक्वेशंस ही बनवाऊंगा, बाकी सॉल्व तो आपको करना ही है। ठीक है, क्वेश्चन इज, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। A fraction becomes 9/11. एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है पहले तो ये बताओ, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, जो कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में दिखे, इस फॉर्म का जो भी दिखे वो फ्रैक्शन होता है। यस सर। इस फॉर्म का जो भी नंबर आपको दिख रहा है वो नंबर क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है,
तो एक फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की कोई फॉर्मेट में एक फ्रैक्शन है, वो 9/11 बिकम्स का मतलब बन जाता है, ठीक है। अपन कहते हैं ना जैसे कि आई विल बिकम ए डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ये फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाएगा। कब बनेगा? जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ मतलब दोनों में अगर मैं 2 को ऐड कर दूं, समझ गए क्या? ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर, मैं इसमें भी 2 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में भी और मैं इसमें भी ऐड कर दूं, तो अब ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। समझ में आया? ठीक है। सेकेंड सिचुएशन इज कि अगर मैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने की बजाय 3 ऐड करूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कल की तारीख में मैं 2 ऐड कर रहा था, आज की तारीख में मैं 3 ऐड करने लग जाऊं, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? तो फ्रैक्शन बन जाएगा पूरा 5/6, 5/6, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? फाइंड द फ्रैक्शन, यानी आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, ना तो उसमें 2 ऐड करें ना 3 ऐड करें, कुछ भी मत करो, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हर एक क्वेश्चन में 2-2 चीजें पूछी हैं, जैसे इसमें दोनों की एज पूछ ली, जैसे इसमें फिक्स चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस, लेकिन इस क्वेश्चन में तो एक ही चीज पूछी है फ्रैक्शन, तो हम एक को तो एक्स मान लेते हैं, फिर वाई को क्या मानेंगे? सोचो, न्यूमरेटर को एक्स, डिनोमिनेटर को वाई। वेरी गुड। देखिए फ्रैक्शन पूछी है तो फ्रैक्शन तो एक ही चीज है, लेकिन इसमें भी 2 पार्ट्स है ना, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, तो एक को मान लो x और एक को मान लो y। समझ आया? ठीक है ना, पूछी तो एक ही चीज है फाइंड द फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन के ऑटोमेटिक 2 कंपोनेंट्स है हमारे पास, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एक कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट को x मान सकते हैं, किसी भी एक कंपोनेंट को y मान सकते हैं। शुरू करें, स्टार्ट राइटिंग। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, किसी का माइक ऑफ ऑन है, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, एंड लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी वाई। अब इसमें कोई यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक नंबर होता है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती ना, एक्स एंड वाई सिंपली। हो गया यहां तक सभी का? यस सर। यस सर। तो अगर न्यूमरेटर एक्स माना, डिनोमिनेटर वाई माना, सो तो मुझे बताओ हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बना? अपॉन माई, ऑब्वियसली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, सब जानते हैं, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y, यानी कि मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन तो x अपॉन y है। अभी इसमें मैंने कुछ फेरबदल नहीं किया, ना तो इसमें 2 ऐड कर रहा हूँ ना 3 ऐड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो अब करना शुरू करूंगा, यानी ओरिजिनैलिटी में मेरा फ्रैक्शन ये है, ठीक है। अब केस वन, केस वन में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं बोलो? 2 ऐड कर देते हैं, तो मॉडिफाइड न्यूमरेटर एंड मॉडिफाइड डिनोमिनेटर, मॉडिफाइड मतलब हमने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, मॉडिफाइड न्यूमरेटर मॉडिफाइड डिनोमिनेटर, तो पहले मेरा न्यूमरेटर था x, पहले मेरा डिनोमिनेटर था y, और केस वन में इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया, 2 को ऐड कर दिया दोनों में, तो हम क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देते हैं हम भी, +2 and +2। एनी डाउट्स? नो सर। ये पूरा मेरा मॉडिफाइड न्यूमरेटर, नया न्यूमरेटर बन गया और ये मेरा नया डिनोमिनेटर बन गया, तो उस हिसाब से मेरा मॉडिफाइड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी जो चेंज किया हुआ फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो? अब मेरा नया वेरी गुड, x प्लस 2 बाय y बाय 2, y प्लस 2, x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, ठीक है ना, ये मॉडिफाइड फ्रैक्शन हो गया, मॉडिफाइड न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मॉडिफाइड डिनोमिनेटर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आपका मॉडिफाइड फ्रैक्शन तो 9/11 होना चाहिए, जब आप ये काम कर दो, यहां से लेके यहां तक का काम जब आप कर देते हो तो आपको फ्रैक्शन में ये मिलना चाहिए। हमको क्या मिल रहा है? हमको ये मिल रहा है।
तो हमको ये मिल रहा है, वो कह रहे हैं 9/11 मिलना चाहिए, दैट मीन्स इसकी और इसकी वैल्यू सेम हो गई. तो जब भी हम हमारी वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको उसकी वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो हम कनेक्टर कौन सा यूज करते हैं? But it is given that the new modified fraction becomes क्या बन जाता है वो 9/11. ऐसा गिवन है हमको, दैट इज बन गई इक्वेशन, दैट इज x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स को अभी मत ओपन करना, y प्लस 2 इक्वल टू 9/11 बन गई इक्वेशन. लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 वाले फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये नहीं है, या उस फॉर्मेट में नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमको चाहिए होता है. तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो मैंने वर्ड यूज किया अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक अलग चीज है, ये सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है. ये क्या चीज है, ये सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है. इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, इसके न्यूमरेटर को इसके, ये मतलब सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है. लेकिन जो मैं तीसरे मेथड का जिक्र कर रहा हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसी चैप्टर में जो आएगा वो अलग चीज है, और अभी जो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो अलग चीज है. तो दोनों को मिक्स मत कर देना, आप ये मत सोचना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो बस यही होगा जो अभी सर बता रहे हैं, वो अलग से एक मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अभी जो मैं कह रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है. ये सिंप्लीफाई करने का तरीका तो हम पहले भी करते ही थे ना, टेंथ क्लास से पहले से सीखा हुआ है ना हमको ये तरीका तो. Yes, है ना, तो उन दोनों में कंफ्यूज मत होना. चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ज्यादा प्रेफर हम यही करते हैं कि एक्स वाली जो टर्म्स है उनको LHS में रखें और वाई वाली को एक बार के लिए RHS में भेज देते हैं, फिर वापस बुला लेंगे. तो कर देते हैं, x प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई x प्लस 2, पूरा x प्लस 2 लिखना, याद रहे ये ब्रैकेट पूरा ऐसे कैसे लगाना. अगर आपने गलती से ब्रैकेट नहीं लगाया, आपने ऐसे लिख दिया 11 इंटू एक्स प्लस 2 तो गलत हो जाएगा. क्यों, फिर तो आप 11 को केवल x से ही मल्टीप्लाई करा रहे हो, जबकि 11 को 2 से भी मल्टीप्लाई कराना है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है. समझ रहे हो, ब्रैकेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है मैथ्स में. अब 9 इंटू वाई प्लस 2 RHS में, इसको फिर सिंप्लीफाई करो, तो 11 इंटू एक्स 11x, 11 टू जा 22, 9 इंटू वाई 9y, और ये इंटू है बेटा ना, 9 इंटू वाई 9y एंड 9 टू जा 18. एनी डाउट्स? नो सर. कैसी फॉर्मेट चाहिए होती है इक्वेशन की, जिसमें वेरिएबल वेरिएबल सारे यहाँ हो और कांस्टेंट कांस्टेंट वहां हो. तो 11x को यहीं रहने दो, 9y को इधर बुला लो, तो दोनों वेरिएबल वाली टर्म्स इधर आ जाएंगी, और उधर कांस्टेंट एक ऑलरेडी रखा हुआ है, इस कांस्टेंट को भी उसके पास भेज दो, तो सारी कांस्टेंट RHS में हो जाएंगी. करेक्ट, 11x 9y इधर आके -9y हो जाता है, वहां 18 तो ऑलरेडी है प्लस 18, 22 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा. तो फाइनल इक्वेशन इज, जो हमको चाहिए होती है सब्स्टिट्यूशन के लिए, 18 माइनस 22 कितना होगा, -4. एनी डाउट्स? नो सर. ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से केस 2 बनाओ फटाफट इसी को देखकर. लेट अस स्टार्ट. Modified numerator. So it is given that in the second case, 3 is added to both numerator and denominator. So we will add 3 to the numerator, x plus 3, it becomes, modified numerator becomes x plus 3. अच्छा, ये case 2 कर दे इसको. Case 2. ठीक है, and modified denominator also becomes plus 3, x plus 3, y plus 3. Now it is given that the new modified fraction becomes 5/6. Yes, sir. तो हम यहां लिख देते हैं 5/6.
सिक्स, ये एक्स प्लस थ्री, ये वाई प्लस थ्री, फाइव अपॉन सिक्स, फाइव अपॉन सिक्स. अब इसको सॉल्व करना है. लगभग उतनी ही स्टेप्स में ये भी सॉल्व हो जाएगा, राइट? जितनी स्टेप्स में केस वन बना. तो सिक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, फाइव इंटू वाई प्लस थ्री, सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, फाइव इंटू वाई फाइव वाई, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, सिक्स एक्स फाइव वाई को इधर ले आओ, फाइव वाई फिफ्टीन, एटीन को उधर भेज देते हैं. सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू फिफ्टीन माइनस एटीन, क्या लिखा है? माइनस थ्री, माइनस थ्री. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन टू. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव, सबसे पहले तो दोनों इक्वेशंस को साथ में कर दें. बोलो पहली इक्वेशन क्या थी? 11x माइनस आगे माइनस नाइन वाई, नाइन वाई इक्वल टू माइनस फोर, माइनस फोर. एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ दिखी रही है, सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू माइनस थ्री. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ही मेथड आता है अभी तक हमको, अभी तक तो हम उसी मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को भी. द मीटिंग इज अबाउट टू ओवर. नेक्स्ट मीटिंग में हम इस क्वेश्चन का जिक्र नहीं करेंगे, आपको होमवर्क करना है. हम नेक्स्ट मीटिंग में सीधे मेथड को स्टार्ट कर देंगे. ओके, सॉल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. वी हैव इक्वेशन वन से ही स्टार्ट कर देना आप, है ना, छोटी वही है, या टू से कर देना, दोनों करीब करीब बराबर ही है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते. तो इसके बाद का काम आपके लिए होमवर्क है. ओके, कर लोगे? यस सर. यस सर. नाउ लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, वी विल स्टार्ट अवर न्यू मेथड.